मॉर्निंग क्लास बच्चों, हम लोगों ने कल की कक्षा में व्याकरण में पढ़ा था शब्द विचार, और हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। हम लोग शब्दों का वर्गीकरण कर पढ़ रहे थे, तो हम लोग बच्चों पहले देखते हैं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करते हैं, तो हम उसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमारे जो वर्ण होते हैं क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं इनको हम लोग वर्ण ही तो कहते हैं, ठीक है। और हमारे जो स्वर होते हैं और उस वो भी क्या होते हैं, हमारे वर्ण ही कहलाते हैं। तो हमारे स्वर और व्यंजन जो होते हैं इन्हीं के समूह को ये हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इन्हीं के समूह जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, हमारे शब्द बन जाएंगे, लेकिन उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। और बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, शब्द विचार में उसका वर्गीकरण देख रहे थे। हम लोगों ने देख लिया था कि शब्दों को विभिन्न आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो चार भाग थे, आइए देखते हैं कौन कौन से वो चार भाग थे। पहला था हमारा अर्थ के आधार पर, पहला क्या था, अर्थ के आधार आधार पर, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या था, दूसरा क्या था हमारा, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, वो हमारे पहले हैं अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब होता है सोर्स, ठीक है, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार हमारा चौथा क्या है, प्रयोग के आधार पे। चौथा हमारा क्या है, प्रयोग के आधार पर। तो जो हम लोगों ने कल देख लिया था, पढ़ लिया था कि अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं कैसे होते हैं, क्या उसका भी कोई भाग है, तो उसके भी भाग किए गए थे। तो अर्थ के आधार पर चार भागों में बांटा गया शब्दों को। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। कौन कौन से वो चार भाग थे, हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहला था हमारा पर्यायवाची शब्दों के आधार पर, किसके आधार पर, पर्यायवाची शब्दों के आधार पर। पहला हमारा था पर्याय वाची, ठीक है, पर्यायवाची था, पर्यायवाची शब्द के आधार पर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। क्या था हमारा दूसरा, विपरीतार्थक, विपरीत मतलब होता है उल्टा, और विलोम शब्द का मतलब ये होता है उल्टा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं विलोम, सीधा का उल्टा, ऊपर का नीचे, ये सारे शब्द क्या है, जो उल्टे होते होने वाले शब्द होते हैं उनको कहते हैं विलोम शब्द। तो हमारा जो वर्गीकरण किया गया है, पहला अर्थ के आधार पर, उसमें भी चार भागों में वर्गीकरण किया गया शब्दों को। पहला किया गया पर्यायवाची के आधार पर, और दूसरा है विलोम शब्द के आधार पर, और तीसरा क्या है, अनेकार्थक शब्द। तो बच्चों कल हम लोगों ने पर्यायवाची और विलोम शब्द शब्दों को देख लिया था, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कौन से हैं हमारे अनेकार्थक शब्द। तीसरा था वर्गीकरण, ये किसके अंतर्गत है, हमारे अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला हमारा पर्यायवाची शब्द हो गए,
दूसरे हमारे विलोम शब्द हो गए और तीसरे हमारे अनेकार, ठीक है, अनेकार्थक, अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द, ठीक है, हमारे अनेकार्थक पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक शब्द के कई नाम होते हैं, ठीक है, और वैसे ही हमारा अनेकार्थी शब्द होता है जिन शब्दों के प्रयोग अनेक अर्थ में किए जा सके, ठीक है। अनेकार्थी शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे, शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है की बिंदी लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन शब्द के बारे में बोल रहा है, शब्दों की बात कर रहा है, यहाँ शब्दों है, शब्द हमारे बहुवचन है, शब्द होता, ठीक है, शब्द कहलाते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे कौन कौन से अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे अंबर, ठीक है, अंबर, अंबर को बच्चों हम दो अर्थ होते हैं उसके, ठीक है, आकाश, अंबर को हम आकाश भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वस्त्र भी बोलते हैं, वस्त्र मतलब कपड़ा। पर्यायवाची शब्दों में क्या था बच्चों कि एक शब्द के कई नाम होते हैं, उनको हम लोग किसी भी नाम से बुलाएंगे तो उसी चीज को बुलाएंगे, जैसे सूर्य का हो गया रवि, दिनकर, भानु, ठीक है, हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, रात का पढ़ा था रात्रि, रजनी, लेकिन यहाँ क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब दो अर्थ हो, तीन अर्थ हो, तो उन्हीं को अनेकार्थी, अनेक मतलब ढेर सारे और अर्थ मतलब उसके अर्थ जो देते हैं, ठीक है। जैसे अंबर अगर बोला जाए तो आप आकाश भी समझ सकते हैं और वस्त्र भी, है तो ये दोनों चीज़, ये इसका अलग अर्थ है और इसका अलग अर्थ है, लेकिन शब्द क्या है, एक ही है, तो अंबर अगर बोला जाए तो वस्त्र भी उसको समझ सकते हैं और आकाश भी समझ सकते हैं, इसलिए पूरा एक वाक्य जब हम लोग बोलेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक है, सिर्फ एक शब्द से हमें पूरे वाक्य नहीं समझ में आते। तो अंबर का यहाँ दो अर्थ है, यानी आकाश भी अर्थ है और वस्त्र भी अर्थ है। ऐसे ही हमारा पानी, पानी शब्द देखिए, पानी है, पानी को जल भी बोलेंगे, पानी को तो जल बोलते ही हैं, ठीक है, जल, इसको चमक भी बोलेंगे, चमक और रस भी बोलेंगे।
अनेक अर्थ भी प्रदान करता है। पानी, पानी अनेक अर्थ प्रदान करता है। जल भी उसका मतलब हो सकता है चमक भी और रस भी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एकार्थी शब्द। ये हमारा चौथा था। चार भागों में बांटा गया था अर्थों के आधार पर। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था? चार भागों में। पहला क्या था? पर्यायवाची शब्द। दूसरा क्या था? विलोम शब्द। तीसरा हमारा है अनेकार्थक शब्द। और चौथा हमारा क्या है? एकार्थक शब्द। ये अभी हम लोग सिर्फ अर्थ के आधार पर पढ़ रहे बच्चों शब्दों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, एकार्थक, एकार्थक, एकार्थक मतलब जिसका केवल एक ही अर्थ हो। ठीक है, ढेर सारे शब्द ऐसे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि घोड़ा, ठीक है, मेज, कुर्सी, कुर्सी बोलूंगी तो कुर्सी ये सब लाके देंगे, मेज तो लाके देंगे नहीं। घोड़ा बोला जाएगा तो घोड़ा ही आएगा, गाय नहीं होगा, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है। ठीक है, रोटी, अनेक ऐसे शब्द हैं जिसका एक ही अर्थ है। ऐसे ही आदि कोई भी शब्द ऐसे ही हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक पहले क्या पढ़ा उसको पहले अच्छे से रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के भागों को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, जो शब्द हमारे विचार है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको चार भागों में बांटा गया है। पहला हमारा था अर्थ के आधार पर, ठीक है, दूसरा हमारा था रचना के आधार पर, तीसरा हमारा था स्रोत के आधार पर, और चौथा हमारा था प्रयोग के आधार पर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, जो हमारा सबसे पहला था अर्थ के आधार पर उसको हम लोग पढ़ रहे थे, और उसके अंतर्गत भी अर्थ के आधार पर भी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि पर्यायवाची शब्द थे, दूसरा क्या था? विपरीतार्थक शब्द था, और तीसरा हमारा था अनेकार्थी शब्द, और चौथा हमारा था एकार्थी शब्द। हम लोगों ने सबको पढ़ लिया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों शब्द कैसे होते हैं, क्या उसको भी बांटा गया है रचना के आधार पर। अभी तक तो ये सारे शब्दों के अर्थ वाले आधार के थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों का। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था शब्द विचार में रचना के आधार पर, रचना के आधार पर किस चीज के बारे में बोला है? शब्द के बारे में, कि रचना के आधार पर शब्द को कैसे बांटा गया है। तो रचना के आधार पर शब्द को लिखेंगे कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द, ठीक है, रचना के आधार पर शब्द को, शब्दों लिखेंगे, शब्दों को, ठीक है, दो वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? दो वर्गों में, दो वर्गों में बांटा जाता है। और हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था इसके ऊपर? अर्थ के आधार पर चार भागों में बांटा गया था, और रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, वो दो भाग कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं। रचना के आधार पर
इसको हम लोग दो भागों में बांट के ऐसे समझेंगे, इसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर मूल शब्द, मूल शब्द बच्चों, रचना मतलब उसकी जो रचना हुई है, लिखावट है, जो हमारे शब्द है, ठीक है, उसकी रचना के आधार पर कैसे उसको पता गया, मूल शब्द और व्युत्पत्ति शब्द। व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, मूल मतलब उसका जो पहले से वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और व्युत्पत्ति में कुछ मिक्स करके, उसे बनावट करके नई चीज़ों को उत्पन्न करना, उसको उत्पत्ति बोलते हैं। उत्पत्ति व्युत्पत्ति शब्द, ठीक है। पहले आप अच्छे से समझिए कि मूल शब्द और उत्पत्ति शब्द क्या होता है। मूल शब्द मतलब बच्चों, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो पहले से निश्चित होता है। और व्युत्पत्ति क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी दो चीज़ों को मिलाएंगे और हमारा एक तीसरा चीज उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो उत्पन्न करना, उत्पन्न करने शब्द से ही व्युत्पत्ति शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है। और व्युत्पत्ति शब्द में बच्चों दो भाग हैं, व्युत्पत्ति शब्द में भी दो भाग हैं। पहला है हमारा यौगिक, ठीक है, यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, और दूसरा हमारा योग रूप, योग रूप। पहले हम लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कि रचना के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो तो दो होते हैं, पहला हमारा है मूल शब्द, दूसरा है हमारा व्युत्पत्ति शब्द। व्युत्पत्ति शब्द में भी दो भाग है, यौगिक शब्द और योग रूढ़। योग रूढ़ भी लिख सकते हैं, योग रूढ़ शब्द भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मूल शब्द क्या होते हैं, व्युत्पत्ति शब्द क्या होते हैं, और यौगिक शब्द क्या होते हैं, और योग रूढ़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूढ़ या मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द को हम लोग बच्चों रूढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कि शब्द कैसे होते हैं। तो हमारा क्या था, मूल शब्द था और व्युत्पत्ति शब्द था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल शब्द क्या होते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, रूट या मूल शब्द, मूल शब्द जो पहले से निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जिन शब्दों के पहले हम बच्चों यहाँ देखेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों को तीन भेद हैं। रचना के आधार पर, जो मैं रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, शब्दों के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। वर्ग तो हमारे दो ही थे, वर्ग हमारे दो थे, मूल शब्द और व्युत्पत्ति शब्द, लेकिन जो हमारे भेद हैं, ठीक है, वो तीन हैं, तीन भेद हैं। कौन कौन सा, रूढ़, यौगिक और योग। पहला हमारा है रूढ़, दूसरा हमारा यौगिक, यौगिक और तीसरा हमारा योग, योग, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अपने दूसरी वीडियो में
इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अपनी वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।